मोतिहारी मोतिहारी से चल के आए, क्यों आए ये बताइए? गिफ्ट देने के लिए। किनको? आपको। और ये है इनका प्यारा सा गिफ्ट। इसके लिए तो सबसे पहले आपको, बाप रे बहुत भारी है क्या भर के लाए हैं इसमें। अभी पहुंचे हैं, आप देख लीजिए, अभी शाम के तकरीबन कितने बज रहे होंगे, 6, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6 बजे ये पहुंचे हैं इतनी रात को। चलिए एक बार दिखा दीजिए दर्शक को क्या है इसमें। अरे बाप रे, बहुत भयानक पैकिंग है इसका। हमें लगता है ये गिफ्ट हम शायद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा गिफ्ट तो कभी नहीं मिला था मुझे, इतना तो फिक्स है। हमारा से कोइलू शादी दूसरा से हो, हड का बाटे कमी बता दोन हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए आज कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आज नया साल है, तो आप सभी को नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं, ये सोनू नाम है इनका। और ये कहाँ से चल के आए हैं आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से चल के आए, क्यों आए हैं ये बताइए? गिफ्ट देने के लिए। किनको? आपको। मुझे और नेहा जी को। नेहा जी को। सोनू नाम है इनका, राइटर हैं आप, गाना लिखते हैं। कब से गाना लिखते हैं आप? गाना हम लिखते हैं 2014-15 से। 2014-15 से, 2014-15 से ये गाना लिखते हैं और मोतिहारी से चलकर आए हैं। आप सभी जानते हैं 2023 आ गया है, आज नया साल है और नया साल में ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और ये है इनका प्यारा सा गिफ्ट। इसके लिए तो सबसे पहले आपको, बाप रे बहुत भारी है क्या भर के लाए हैं इसमें। ये इनका बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है और ये सबसे खुशी हो रहा है कि मोतिहारी से चल के आए हैं। आपको बहुत थैंक्स पहले कि इतना दूर से आप इतना ठंड में चल के आए हैं। अगले थैंक्स। कैसा लगा आपको हमसे मिलकर? बहुत अच्छा। ये गिफ्ट लेके आप क्यों आए, मतलब मेरे लिए ही गिफ्ट क्या, ऐसा कि क्या सोच के आप आए हैं? हम सोचे कि मतलब नया साल है, कुछ गिफ्ट आपके दें और नेहा जी से भी मुलाकात कर लें। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ये इतनी दूर से कौन सा गांव है आपका मोतिहारी में? मलाही पोखरा। मलाही पोखरा, मोतिहारी में मलाही पोखरा इनका गांव है। और ये बहुत वजन है। मलाही में नहीं है, मलाही पोखरा नहीं, मोतिहारी जिला है। हाँ वो तो हम जान रहे हैं, मोतिहारी में वही गाँव का नाम मलाही नहीं, और राज्य में गाँव है वहाँ से, मतलब गांव है मेरा मलाही पोखरा। अच्छा, मलाही पोखरा गांव का नाम है जी। अच्छा, तो मलाही पोखरा गांव का नाम है इनका, जहां से ये चल के आए हैं और हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आए हैं। और इसमें क्या लेकर आए हैं आप, खोल दीजिए। चलिए ये आपको, आप खोलिए, मैं देखती हूँ। हाँ, आप ही खोलिए। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या लेकर आए हैं इतना दूर से। इनका कॉल आ रहा था पिछले 2-3 दिनों से, इनका कॉल आ रहा था हमारे पास कि मैम मिलना चाहते हैं आपसे। हमने कहा कि ठीक है, आप आइए पटना, हम ज़रूर मिलेंगे आपसे। और हम राइटर हैं तो हम बोले अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोले आपसे मिलना चाहते थे, आज फिर कॉल की सुबह में कि हम आ रहे हैं पटना। बोले ठीक है आइए। हमने इनको अपना ऑफिस का एड्रेस बताया और एड्रेस बताने के बाद ये अभी पहुँचे हैं। आप देख लीजिए, अभी शाम के तकरीबन कितने बज रहे होंगे, 6, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6 बजे ये पहुँचे हैं इतनी रात को वहाँ से चलकर। और इतना दूर से आए हैं तो मतलब बहुत अच्छा भी लग रहा है और ये भी लग रहा है कि इतना ठंड में ये आए हैं। चलिए एक बार दिखा दीजिए दर्शक को क्या है इसमें। अरे बाप रे, बहुत भयानक पैकिंग है इसका। बस अरे बाप, क्या है इसमें, इसको खोलिए, ये दीजिए इतना बड़ा डब्बा क्या है? घी लेकर आए हैं आप मेरे लिए, क्या बात है, ये तो बहुत यूनिक है। हम मतलब सोचे भी, इमेजिनेशन भी नहीं किए थे कि ये हमारे लिए घी लेकर आए। ये घर का घी है जी। किसने, आपकी मम्मी ने बनाया है जी। तो ये घी कैसे, घर में गाय वगैरह रखे हैं? भैंस का और गाय का घी है क्या बात है, ये दिखाइए एक बार। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना अजूबा गिफ्ट हमने भी नहीं सोचा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। हालांकि जो भी है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि गिफ्ट, इसको बंद कर दीजिए, गिफ्ट गिफ्ट होता है। और इतनी दूर, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इतने दिन से और इतनी दूर से लेकर आए, ये सबसे बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और ये इनका गिफ्ट जो है, हमें लगता है ये गिफ्ट हम शायद कभी नहीं भूलेंगे,
क्योंकि आज तक ऐसा गिफ्ट तो कभी नहीं मिला था मुझे, इतना तो फिक्स है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको ये गिफ्ट लाने का? हम सोचे कुछ खाने के लिए, मतलब कर रहा था, मतलब कुछ पहनने वाला दें, उसके बाद पता चला कि नहीं कुछ खाने वाला दे, मतलब कुछ देह में भी तंदुरुस्ती हो। चलिए, मतलब खाने वाला जिससे देह में तंदुरुस्ती हो। तंदुरुस्ती की ज़रूरत फिलहाल अभी आपको है क्योंकि हम काफ़ी मोटे हो गए, लेकिन फिर भी आप इतना सोचे हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू आपको। और ये राइटर हैं तो गाना वाना कोई लिखे हैं? कोई गाना आप अपना एक सुना दीजिए दर्शकों को, कोई भी प्यारा सा जो आप लिखे हो आप अपना। एक सैड सॉन्ग सुनाइए। प्यारे हमारा से कोइलू शादी दोसरा से हो, प्यारे हमारा से कोइलू शादी दोसरा से हो, हड का बाटे कमी बता दन हो, अपना हाथी जहरिया खिला दन हो। कौन से सिंगर से गवा है? ये सुमन राजभर सिंगर। चलिए, काफ़ी अच्छा गाना था। और ये राइटर हैं यादव, क्या सोनू नाम है आपका? यादव सोनू, यादव सोनू नाम है इनका। और ये मोतिहारी से चल के आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी हाँ, यादव जी इसलिए घी लेकर आए हैं, लेकर क्या बात है, मतलब यादव जी का पहचान लेकर आए हैं। तो आपको कैसा लगा ये गिफ्ट जरूर बताइएगा। बाकी इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। बाकी इस गिफ्ट को याद रखिएगा क्योंकि हम इसे नहीं भूलने वाले हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए और बहुत खुशी हुआ कितना दूर से चलकर ये मेरे लिए आया।